हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका जायजा ले, हमारी निगाहें गैर लड़कियों पे पड़ती हैं, हमारी निगाहें गैर औरतों पे पड़ती हैं, और अगर हम गैर लड़कियों को देखते नहीं फिर भी हमारी निगाहें महफूज नहीं, हम मोबाइल के स्क्रीन पर गंदी तस्वीर देखते हैं, फहाश और इस तरह के गाने सुनते हैं कि शरीयत ने जिसकी इजाजत ही ना दी हो, आज घंटों घंटों मोबाइल पे अपना वक्त गुजारते हैं। हमारी उंगलियां स्क्रीन पे टच करते करते थकती नहीं है, और फिर हम ये कहते हैं कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं। हालांकि अगर हम ये देखें कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं, हमसे बड़ा इसिया शियार कोई नहीं, हमसे बड़ा खताकार कोई नहीं, अगर हमारे जुर्मों को पकड़ा जाए और अल्लाह पकड़ करके उस पे अजाब देना चाहे तो हम बच नहीं सकते। अल्लाहु अकबर, लम्हा लम्हा, सिकंड सिकंड, जिंदगी का हर गोशा गुनाहों की तरफ हमारा दौड़ता हुआ चला जाता है, नमाजों से हम दूर हैं और बद अखलाकी हमारे अंदर पाई जाती है, गालियां हमारी जबान पे हैं। अल्लाह ने इन आँखों को दिया था कुरान मुकद्दस की तिलावत करने के लिए, उसको देखने के लिए, अल्लाह ने जबान को दिया था नाते सरवरे कौनैन पढ़ने के लिए, अल्लाह ने इन कानों को दिया था ताकि इन कानों से गाने ना सुने जाएं, इन कानों से गंदी बातें ना सुनी जाएं, इन कानों को अल्लाह ने इसलिए दिया था कि अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो तो कुरान की तिलावत इन कानों से सुना जाए, अगर कोई नाते रसूल पढ़ रहा हो तो इन कानों से नाते रसूल को सुना जाए, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की बातें बता रहा हो तो उन बातों को इन कानों से सुना जाए। हालांकि हमारे नजरें भी गंदी हैं, हमारे कान भी गंदे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करते हैं, मेरे आका इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। मेरे आका नबी रहमत जब इतना सुनते हैं, सहाबा की जमात है, सहाबा गैज़ो गज़ब की हालत में उनको देखते हैं, फिर वो सोचते हैं ये कैसी इजाजत तलब कर रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम वाकई इजाजत चाहते हो? वो कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे आका अपने दस्ते नबूवत उनके सीने पे रखते हैं, उनके दिल पे रखते हैं, और हुजूर उनके सीने पे अपना दस्ते नबूवत फेरते हुए कुछ पढ़ रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम कहते हो कि हमें जिना की इजाजत दे दो। अल्लाहु अकबर, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई दूसरा शख्स आए और वही ये कहे कि हुजूर हमें जिना की इजाजत दे दी जाए, तो तुम्हारे भी बहन हैं, तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम्हारी भी बीवी होगी, तुम्हारी भी माँ होगी। अगर मैं ये कहूं कि वो आने वाला शख्स ये कहे कि ए मेरे आका मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं किसी के बहन के साथ जिना करूं, किसी के बेटी के साथ जिना करूं, किसी के माँ के साथ जिना करूं, क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे बहन के साथ या तुम्हारे बीवी के साथ या तुम्हारे और रिश्तेदारों के साथ कोई इस तरह की बातें करे? और हुजूर का दस्ते नबूवत उनके दिल पे चल रहा है, उनके सीने पे चल रहा है। अल्लाह ने इतना करम फरमाया, मैं तो यहाँ ये कहता हूँ कि जिसके दिल पे हुजूर का दस्ते नबूवत लग जाए अब उसे गुनाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि हुजूर का वो दस्ते नबूवत है कि इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, इशारा करते हैं मेरे नबी तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ करके हुजूर की बारगाह में आकर के और वो पढ़ता हुआ दिखाई देता है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर का दस्ते नबूवत उनके दिल पे पड़ा, अब वो अर्ज करते हैं ए मेरे आका अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं तो गुनाह की इजाजत तलब करने आया था और आपकी बारगाह में अब वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज के बाद गुनाहों के करीब भी नहीं भटकूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि सीरत है और सीरत इस तरह बयान की जाए कि जब लोग सुने, चाहे वो जिस फिरके के लोग हों, चाहे जिस मजहब के लोग हों, उनके दिलों पे हुजूर की बात असर करनी चाहिए। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात से पहले आइए कुरान का मुताला करें कि अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मौजजा अता फरमाया है। अगर पहला पारा कुरान उठा करके पढ़िए, पहले पारे में सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ने इन्हें वो मौजजा अता फरमाया कि अगर ये अपनी लाठी अपना आशा पत्थर पे मारते थे तो अल्लाह करम करता था, पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो जाया करते थे। अगर आप दूसरी आयत उठा करके पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है वह उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया है, अल्लाह ने इनको ऐसा मौजजा अता फरमाया कि अगर मादरजाद अंधे को लाया जाता जो पैदाइशी अंधा हो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया जाता और अर्ज किया जाता, ए अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ने पावरफुल बनाया है, ये मादरजाद अंधा है, ये पैदाइशी आंखें इसके पास नहीं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना दस्ते नबूवत फेर देते, अल्लाह उन आंखों में रोशनी अता फरमा देता। अगर कोई कोढ़ वाला मरीज आता, अगर कोई सफेद दाग वाला लाया जाता, हजरत ईसा अपना दस्ते नबूवत उस पे फेरते तो अल्लाह शिफा अता फरमाता। आगे अल्लाह का कुरान कहता है वह उहयिल मौता बिइज्निल्लाह, अगर किसी मुर्दे को लाया जाता वो मर गया होता और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लाया जाता, अल्लाह ने वो मौजजा अता फरमाया था, वो कमाल अता फरमाया था, वो तसर्रुफ अता फरमाया था कि आप अल्लाह के हुक्म से इशारा करते तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाया करता था। ये अल्लाह के नबियों के अलग अलग मौजजे हैं। क्या आपने अल्लाह का कुरान पढ़ा नहीं? 13वें पारे में अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़िए, इनके भाई जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने और ये भाई गए गल्ला लेने के लिए, ये न पहचान पाए लेकिन हजरत यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया कि ये मेरे भाई है। हजरत यूसुफ पूछते हैं ये बताओ कि तुम्हारे अलावा और भी कोई घर में है? कहते हाँ हाँ, मेरे बाप मेरे घर में है, एक मेरा भाई था लेकिन बचपन में उसको भेड़िए ने खा लिया। अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ कहते हैं अच्छा ये बताओ अब तुम्हारे बाप का हाल क्या है? कहते हैं कि जब से मेरे छोटे भाई को भेड़िए ने खाया है उस उनकी जुदाई में वो इतना रोए हैं कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अलगरज अपना जुब्बा उतार के देते हैं, अपना कुर्ता शरीफ उतार के देते हैं और इरशाद फरमाते हैं ये मेरा कुर्ता लेके जाओ, मेरा जुब्बा लेके जाओ और जब घर पहुंचना तो अपने बाप की आंखों पे डाल देना, जैसे ही ये मेरा कुर्ता तुम्हारी बाप की आंखों पे पड़ेगा अल्लाह दोबारा उनकी आंखों में रोशनी अता फरमाएगा। ये भाई कुर्ता लेते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकर के चल देते हैं। अभी अपने गांव में पहुंचे भी नहीं हैं, अभी अपने गांव के बाहर हैं। यहां हजरत याकूब कहते हैं अपने बैठे हुए करीब लोगों से कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, जैसे ही हजरत यूसुफ के भाइयों ने वो कुर्ता ले जा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अंजा अल बशीरो अलकाहो अला वजही फरतद्दा बशीरा। अल्लाह के रसूल के कुर्ते का ये मौजजा है कि हजरत याकूब की आंखों पे पड़ा तो अल्लाह ने उनकी आंखों में दोबारा रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फिरोज रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मैं और नबियों के मौजज़े अलग अलग गिनाऊं तो बहुत सारा वक्त चाहिए। अब मैं अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कौदैन मक्की सरदार मदनी ताजदार रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचना चाहता हूं और कुछ फैज हासिल करना चाहता हूं। जिस तरह अल्लाह ने तमाम नबियों को अलग अलग मौजज़े अता फरमाए, अलग अलग खूबियाँ अता फरमाई, मुफस्सरीन कहते
करते हैं कि वो तमाम खूबियां, वो तमाम कमालात, वो तमाम मौजज़े अल्लाह ने तने तनहा मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया, मेरे नबी को अता फरमाया, सैयद आलम को अता फरमाया। हाँ हाँ, आपने बारहा सुना होगा मेरे नबी के बहुत बेशुमार मौजज़े हैं। हुजूर ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हुआ, इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलटाया, इशारा किया तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ करके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। अगर हुजूर अगर जंगल में चलते हैं तो पत्थरों से हुजूर पे दरूद पढ़ने की आवाज आ रही है, हुजूर इशारा करते हैं तो अबू बकर की मुट्ठी से भी कलमे शहादत की आवाज आने लगती है। ये मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम खूबियां अता फरमाई। अब चलिए चलते हैं हुजूर की बारगाह में, कैसे कैसे कमालात और कैसे कैसे मौजज़े अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया। पहली हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हजरत ज़ैनब से हुई, और मेरी बहनें यहाँ जितनी भी आई हैं बहुत गौर से सुनिए, हजरत रसूल गिरामी वकार की जब शादी हजरत ज़ैनब से हुई तो हजरत अनस कहते हैं मेरे नबी दूल्हा बने, मेरे आका नबी कौनैन की वो बारगाह है, अगर यहाँ हमारे पास कोई एक दिन के लिए नौकरी करने आ जाए, हमारे घर में एक दिन के लिए कोई काम करने आ जाए, अगर कोई काम उससे बिगड़ जाता है तो हम उसे डांट भी देते हैं, उसे फटकार भी देते हैं, और अगर ज्यादा काम बिगाड़ देता है तो हम उसे काम से निकाल देते हैं। लेकिन हजरत अनस कहते हैं कि मैं नबी की बारगाह में 10 साल रहा, हुजूर की खिदमत मैंने 10 साल किया। अल्लाह अकबर, जब जब हुजूर की खिदमत में रहा, कभी हुजूर को वजू के लिए पानी दिया करता, कभी हुजूर की बारगाह में बैठ करके हुजूर से हदीसें सुना करता। आज अगर हमारे करीब एक दिन के लिए कोई आ जाए, एक दिन के लिए दोस्ती कर ले तो हम पे भारी पड़ जाता है, हम पे वो गिरा गुजरता है। लेकिन हजरत अनस कहते हैं, सीरत रसूल सुनने वाले सुनो, हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल मैं हुजूर की खिदमत में रहा, लेकिन इन 10 सालों में कभी भी हुजूर ने हमें डांटा तक नहीं, हुजूर ने हमें फटकारा तक नहीं, हुजूर ने हमें कभी नहीं डांटा। अल्लाह अकबर, यही हजरत अनस है, कहते हैं कि जब मेरे आका की शादी हजरत ज़ैनब से हुई, मेरे नबी दूल्हा बने, हुजूर कई मर्तबा दूल्हा बने, लेकिन हुजूर जब दूल्हा बनते हैं ना तो आला हजरत कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा कर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, आज हुजूर दूल्हा बने हैं। तो हजरत अनस की माँ हजरत उम्मे सुलेम ने हजरत अनस को यानी अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा देखो मैं हलवा तैयार करना चाहती हूँ। उन्होंने थोड़ा खजूर लिया और घी ली और उसके बाद उन्होंने पनीर लिया, इसको मिलाया, मिलाने के बाद थोड़ा सा हलवा तैयार किया। हलवा तैयार करने के बाद हजरत अनस से कहा कि ये हलवा जाकर, ये तोहफा देकर, ये ले जाकर हुजूर की बारगाह में देके आओ। अल्लाह अकबर, वो कैसी औरत है, वो कहती है जब हुजूर की बारगाह में जाना तो मेरे नबी से कहना कि अम्मी जान ने आपको सलाम कहा है, और हुजूर की बारगाह में सलाम कहने के बाद कहना कि अम्मी जान ने कहा है कि ये मेरी तरफ से तोहफा है, कबूल फरमा ले। तीसरी बात ये कहना ए अनस हुजूर से कि ये बहुत थोड़ा है, लेकिन अगर हुजूर आप कबूल फरमा लेंगे तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। यहाँ दूसरी बात पे तवज्जो चाहता हूँ, और यहाँ मैं जानता हूँ कि मेरी मैक की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, मैं ये नहीं जानता कि यहाँ मेरी बात सिर्फ अपने सुनते हैं, यहाँ मेरी बात गैर भी सुनते होंगे। हुजूर की सूरत, हुजूर की सीरत और हुजूर की सूरत सुनिए। हजरत अनस कहते हैं मैंने वो हलवा लिया और कहा अम्मी जान से कि हाँ हाँ ये सारी बातें हुजूर से मैं कहूँगा। आपकी अम्मी ने कहा था कि हुजूर से कहना कि अम्मी जान ने भेजा है। दूसरी बात पे तवज्जो चाहूँगा, किस लिए कहा था, अब इसको मैं हदीस से साबित करना चाहूँगा। हजरत उबै बिन काब जो हुजूर के बहुत बड़े सहाबी हैं, एक मरतबा ये अपने घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे थे। आज का मुसलमान ये कहता है कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर के उम्मती हैं, ये कहता है सिर्फ गोश्त खाना ही सुन्नत है, ये कहता है सिर्फ अमामा बांधना ही सुन्नत है, ये कहता है कि सिर्फ मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन कभी कभी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर लिया करो, कभी कुरान मुकद्दस को अपने जबान पे लाया करो, घर के अलमारियों में कुरान को बंद करके मत रखो, कुरान खानी के टाइम
टाइम पे कुरान को खोल करके मत देखो। अल्लाह ने इस कुरान को सबसे बड़ा मौजजा हुजूर को अता फरमाया, जिसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारा दिल गुनाहों से पाक हो जाएगा, अगर कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे अल्लाह नूर पैदा फरमाएगा, अगर कुरान की तिलावत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें नाजिल फरमाएगा। हजरत उबई बिन काब अपने घर में अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरे आका नबी मोहतरम पीछे से आए और उनका कुरान पढ़ना सुनने लगे। अल्लाह अकबर, ए धोबिया और इर्द गिर्द के आए हुए खुशअकीदा मुसलमानों, आज अगर हम कुरान पढ़े तो मस्जिदों में बैठ के पढ़े, हमारे सुनने वाला अगर हम अच्छी नीयत से पढ़े तो सुनने वाले हो सकता है फरिश्तों की जमात उतर रही हो, अगर हम अपने घर में कुरान की तिलावत करें तो हो सकता है नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तार आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अगर हम कुरान अपने घर में पढ़ें तो हो सकता है हमारे बीवी बच्चे सुने, अगर कुरान हम पढ़ें तो हो सकता है हमारे उस्ताद सुन रहे हो। लेकिन हजरत उबई बिन काब की किस्मत कितनी बेदार थी, वो कुरान पढ़ रहे ना तो मेरे आका पीछे से आए और कुरान पढ़ना सुनने लगे। मेरे आका उन्हें टोकते नहीं हैं, मेरे आका उन्हें रोकते नहीं हैं, कुरान नबी ने सुन लिया और हुजूर काशाने नबूवत में तशरीफ फरमा हुए। चंद मिनट के बाद या चंद घंटों के बाद हजरत उबई बिन काब मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। नबी ने उबई बिन काब को देखा, हुजूर मुस्कुराने लगे। मेरे नबी जब मुस्कुराए ना तो कायनात मुस्कुराने लगती है, हुजूर जब हंसे तो कायनात हंसती है। आला हजरत कहते ना कि जब हुजूर के लबहाए मुबारक पे हंसी आती है, हुजूर जब मुस्कुराते हैं तो मेरे आला हजरत कहते जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते, ए उबई बिन काब तुम कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हो, कुरान बहुत बढ़िया पढ़ते हो। हजरत उबई बिन काब कहते हैं, ए या नबी अल्लाह, अगर मुझे पता होता कि आप मेरा कुरान पढ़ना सुन रहे हैं तो मैं संवार संवार के कुरान पढ़ता, मैं ठहर ठहर के कुरान पढ़ता। अल्लाह अकबर, नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ ए जमाने वालों, अगर तुम्हें कुरान सीखना हो तो उबई बिन काब से सीखा करो, अगर कुरान सीखना हो तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से सीखा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से सीखा करो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से सीखा करो। हुजूर ने चंद सहाबा का नाम बताया कि अगर कुरान पढ़ना सीखना है तो इन सहाबा की जमात से सीखा करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उबई बिन काब, अगर कुरान तुम अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो। वो कहते हैं कि ए मेरे आका, अगर मुझे पता होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं और ठहर ठहर के पढ़ता और संवार संवार के पढ़ता। अब यहाँ एक नुक्ते पे तवज्जो चाहता हूँ, हजरत मौलाना कारी जाकिर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत अज़ीमुल मर्तबत वक़ारे इश्क़ो मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इस हदीस को सामने रखकर आगे आप लिखते हैं कि अगर आज का मौलाना कुरान किसी को दिखाने के लिए पढ़े तो वह रियाकारी में शुमार हो जाएगा। हजरत कारी तौसीफ़ साहब क़िबला किसी को कुरान दिखाने के लिए पढ़े तो वह दिखावे में शुमार होगा, अगर मैं कुरान किसी को दिखाने के लिए पढ़ो तो रियाकारी में शुमार होगा। आला हजरत कहते हैं, लेकिन ए जमाने वालों, अगर मुस्तफा को कुरान दिखाने के लिए पढ़ोगे तो अल्लाह डबल सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकदीर, और बुलंद आवाज से नारे तकदीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान मुकद्दस, नारे तकदीर। अगर हुजूर को दिखाने के लिए कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह डबल सवाब अता फरमाता है। इसीलिए हजरत अनस की माँ ने कहा था कि जाके हुजूर से कहना कि अम्मी जान ने आपके लिए तोहफा भेजा है। अच्छा दूसरा हवाला देता हूँ, एक सहाबी के घर मेरे नबी तशरीफ ले गए, उनका दरवाजा बंद था, हुजूर उन्हें सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने मुंह में जवाब दिया बहुत धीरे से वालेकुम अस्सलाम, हुजूर ने फिर दोबारा सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने फिर से आहिस्ते से
जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, फिर तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने सलाम किया, फिर उन्होंने आहिस्ते से जवाब दिया। अच्छा इस हदीस को सुनिए, नबी ने सिर्फ तीन मर्तबा सलाम किया। आज हुजूर के उम्मतियों को भी चाहिए कि किसी के घर पे जाएं तो सबसे पहले सलाम किया करें, उनके दरवाजे पे पहुंच करके घर वालों को सलाम किया करें। लेकिन आज का मुसलमान सलाम कहां करता है? आज का मुसलमान अपने आप को हुजूर का उम्मती कहलाने वाला असलाम कहां करता है? बेचारे को गाना सुनने से फुर्सत मिल जाए, पिक्चर देखने से फुर्सत मिल जाए, गीबत करने से फुर्सत मिल जाए, चुगली करने से फुर्सत मिल जाए, तब वो हुजूर की सुन्नत पे अमल करेगा ना, तब वो हुजूर की बातों पे अमल करेगा। नबी इरशाद फरमाते कि मैंने तीन मर्तबा सलाम किया, अब उन्होंने मुंह में आहिस्ते आहिस्ते जवाब दिया। हाँ हाँ एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी को टेलीफोन लगाया करो, अगर किसी को कॉल किया करो, एक बार उसे फोन करो, अगर वो जवाब ना दे दो बार कॉल करो, अगर जवाब ना दे तीन मर्तबा उसे कॉल करो, अगर वो जवाब ना दे तो फिर उसे कॉल लगाना छोड़ दिया करो, फिर उसे डिस्टर्ब ना किया करो। हो सकता है उसके पास कोई मजबूरी हो, ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाए, वो बेचारा परेशान हो जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तीन मर्तबा सलाम किया, उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते जवाब दिया। हुजूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाब नहीं सुनते ना तो आगे चलने लगे, वो पीछे से आए और दामने करम से लिपट करके अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मैंने जवाब दिया था। तो मेरे आका फरमाते मियां मैंने तो तीन मर्तबा सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया। कहा हुजूर मैंने जवाब दिया लेकिन बड़े आहिस्ते आहिस्ते जवाब दिया। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसकी वजह क्या है? अब जरा सुनना कितने होशियार सहाबी हैं। वो कहते या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाह रहा था हुजूर बार बार मुझसे सलाम करते रहे और मुझ पर सलामती की दुआएं देते रहे, मुझ पर सलामती की मुझे सलामती की दुआएं देते रहे, मुझ पर सलामती भेजते रहे। अगर मेरे आका अगर मैंने पहली ही बार में सलाम का जवाब देता था तो दो मर्तबा सलामती की दुआ कौन करता? दो मर्तबा हमको सलामती की दुआएं कौन देता? अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। इसीलिए हजरत उम्मे सुलेम ने कहा था कि ये हलवा ले जाकर हुजूर से कहना कि अम्मी जान ने आपके लिए भेजा है। अल्लाहु अकबर। अब आगे सुनिए हजरत अनस कहते हैं नारे रिसालत मसलके आला हजरत, हजरत अनस कहते हैं मैंने हलवा लिया और हुजूर की बारगाह में पहुंच गया और जो अम्मी जान ने कहा था सब मैंने हुजूर से कहा। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है हलवा रख दो। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने हलवा रख दिया। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अनस ऐसा करो फला बिन फला फला बिन फला फला बिन फला फला बिन फला। एक लंबी लिस्ट हुजूर ने गिनाई और कहा इन सबको दावत दे के आओ और सबसे जाके कह दो आज तुम्हारी दावत मोहम्मद अरबी के घर पे है। अल्लाह अकबर। हजरत अनस हैं कि जब मैं चलने लगा ना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जितने लोगों का नाम मैंने गिनाया है उन्हें दावत दे के आना, जो रास्ते में मिल जाए उन सबको दावत दे के आ जाना। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नबी रहमत के कहने पे हजरत अनस बाहर निकले और जिन जिन लोगों को मेरे नबी ने कहा था सबको दावत दिया और उसके बाद जो रास्ते में मिला सबसे कहते हुए गए मियाँ आज तो तुम्हारी घर आज तुम्हारी दावत हुजूर के घर पे है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारी दावत किसी प्रधान के घर पे हो जाए किसी बड़े घर पे हो जाए तो हम अच्छा लिबास पहनते हैं अच्छी तैयारी करते हैं कि वहाँ अच्छे लोग आएंगे वहाँ हम किसी से कम ना दिखें। आज जब हमारी दावत बड़े लोगों के घर पे होती है तो हम फख्र करते हैं लेकिन जिनकी दावत मोहम्मद अरबी के घर पे हो जाए उनकी किस्मत का क्या पूछना उनके नसीबे का क्या पूछना। अल्लाह अकबर। हजरत अनस कहते हैं ना कि जब मैं दावत दे के पलटा तो मैंने देखा कि हुजूर के घर पे गमे जब हुजूर के घर पे एक बड़ी भीड़ भाड़ है हुजूर के घर पे खचाखच हुजूर का घर भरा हुआ है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने इस हदीस को हजरत अनस से रवायत किया है वो ताबई पूछते हैं ए अनस कितने लोग हुजूर के घर में मौजूद थे? तो हजरत अनस कहते 300 लोग हुजूर के घर में इकट्ठा हो चुके थे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अनस ऐसा करो 10-10 लोगों को लाओ और हलवा खिलाना उन्हें शुरू कर दो, सिर्फ उन्हें चीखने की दावत मत देना, जबान पे लगाने
की दावत मत देना। अल्लाह अकबर, हलवा को हुजूर ने अपने सामने रखा और उसके बाद अपना दस्ते नबूवत रखा और अल्लाह ने जो चाहा हुजूर ने उस पे पढ़ के दम कर दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि सामने रखकर खाना फातिहा नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि हमसे और तुमसे कोई झगड़ा नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अपना घर है, जहाँ चाहो वहाँ रख करके फातिहा करो। हमें तो हजरत अनस बता रहे हैं कि हुजूर ने हलवा सामने रखा, उसके बाद उस पे हुजूर ने अपना दस्ते नबूवत रखा और जो अल्लाह ने चाहा पढ़ा और पढ़ने के बाद उस पे दम किया। अब कहा 10-10 लोगों को बुला के लाओ, 10-10 लोग आते गए हलवा खाते गए, 10 लोग आते गए हलवा खाते गए, 300 लोगों ने हलवा खाया। हजरत अनस कहते हैं कि आखिर में हुजूर ने कहा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अनस देखो हलवा कितना बचा है। हजरत अनस के इस जुमले पे कुर्बान जाइए, हजरत अनस कहते हैं कि जब मैंने हलवा हुजूर की बारगाह में रखा था और उसके बाद 300 लोगों ने खा लिया, अब मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, मेरी निगाह फैसला नहीं कर पा रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि हलवा जब मैंने रखा था उस वक्त ज्यादा नहीं था, अब 300 लोगों के खाने के बाद हलवा अब ज्यादा नजर आ रहा है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हसरत के आला हजरत जिंदाबाद, अजमत मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये सरकार का मौजजा है, अल्लाह ने मेरे नबी को वो मौजजा था फरमाया कि अगर वो हलवा एक लोग खा करके खत्म कर देते, लेकिन मेरे नबी का दस्ते नबूवत पड़ा ना तो 300 लोगों ने खाया फिर भी वो हलवा कम नहीं हुआ, बल्कि वो ज्यादा नजर आने लगा। आला हजरत कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जरा मोहब्बत से देने वाला है सच्चा। अब दूसरी हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बहुत बड़े सहाबा हैं और असहाबे सुफा पे ये बैठ करके हुजूर से पढ़ा भी करते थे। अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक मर्तबा मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी, लेकिन हुजूर ने मांगना नहीं सिखाया था। कहते हैं अब क्या करूं, तो मस्जिद नबवी के ऐसे कोने पे जाकर के वो बैठ गए जिधर से लोग आते जाते थे कि लोगों की निगाह पड़ेगी, वो देखेंगे तो कहेंगे कि शायद अबू हुरैरा भूखे हैं, इन्हें खाने की जरूरत है, ये सोच करके बैठ गए। देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, दिल ही दिल में सोचने लगे कि वो शख्स आ रहा है जो हुजूर की बारगाह में अपना सारा माल पेश कर दिया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब करीब हुए ना तो हजरत अबू हुरैरा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने जवाब दिया। जब इन्होंने देखा कि देख ही नहीं रहे हैं तो इन्होंने एक सवाल कर दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल सुना और निगाहों को नीची करते हुए जवाब दिया और चले गए। अब ये बड़े परेशान हुए, तब तक कि देखा हजरत उमर आ रहे हैं, उनसे भी सलाम किया, उनसे भी सवाल किया, लेकिन वो भी आगे चले गए। हजरत उस्मान आ गए, वो भी यही करके आगे गए। मौला अली शेर खुदा फातह खैबर आए, उनसे भी सलाम किया, उनसे भी कलाम किया, लेकिन वो भी आगे गुजर गए। अब ये बड़े परेशान हुए कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तब तक कि देखा मक्की सरदार मदनी ताजदार आमिना के लाल सैयद अबरार गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर को देखा ना तो दिल में तसल्ली हुई, हुजूर को देखा तो इनका दिल भी मुस्कुराने लगा और इनकी जबान भी मुस्कुराने लगी, इनकी आंखों में चमक आ गई। मेरे नबी को आगे बढ़ के सलाम किया, मेरे आका ने जैसे ही इनको देखा निगाहे नबूवत से हुजूर ने पहचान लिया। मेरे आका इरशाद फरमाते अबू हुरैरा क्या तुम्हें भूख लगी हुई है। अल्लाह अकबर, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हाँ हाँ हुजूर ऐसी भूख है ना कि आंखों के सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता है, अंधेरा छा रहा है। मेरे नबी उनका हाथ पकड़ते हैं और अपने काशाने नबूवत की तरफ लेके आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए आयशा ये बताओ कि घर में कुछ खाने को है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, डेढ़ दो माह का अरसा गुजर गया, घर में चूल्हा तक नहीं जला, एक छुहारे और पानी पे हम गुजारा करते हैं। अल्लाह अकबर, आज हम और आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े एसी लगा करके हम हवा खाते हैं,
हैं, लेकिन कभी हमने आपने सोचा कि आज हम मस्जिदों को वीरान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मस्जिदों की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, कब्र में कौन सी एसी लगाओगे, कब्र में कौन सा पंखा लगाओगे, कब्र में कौन सा इंतजाम करोगे, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। वहां अगर कोई रोशनी दे सकता है, अगर वहां कोई उजाला दे सकता है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारे कब्र में रोशनी अता फरमाएगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे नबी ने हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा ये बताओ घर में क्या है, तो कहा कि हुजूर डेढ़ दो महीने से घर में चूल्हा तक नहीं जला, और हुजूर आपके शिकम पे भी तो पत्थर बंधे हुए हैं, हमें खजूर और पानी पे अपना गुजारा करते हैं। लेकिन वो अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह अभी तोहफे में दूध का एक प्याला आया हुआ है। मेरे नबी इरशाद फरमाते वही दूध लेके आओ। हुजूर को वो दूध पेश किया गया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा ऐसा करो असहाबे सुफा पे जितने भी सहाबा हैं उन सबको बुला करके लाओ। अल्लाह अकबर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह को पाक कह रहे हो, अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक फरमाएगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया। सैयदना अबू हुरैरा कहते कि मैं सोचने लगा कि हो सकता है पहले पहल हुजूर मुझे पीने के लिए दूध दे दे, लेकिन हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ऐसा करो असहाबे सुफा पे जितने सहाबा हैं सबको बुला के लाओ। अब ये गए जितने सहाबा थे सबको बुला के और हुजूर की खिदमत में पेश किया। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकरीबन 70 सहाबा हाजिर हो गए। कितने सहाबा? 70। सैयदना अबू हुरैरा कहते कि अगर मैं तने तनहा दूध पीता तो खुद तने तनहा पीता मेरी ही भूख नहीं मिटती, इतना दूध कम था। लेकिन 70 सहाबा और आ गए। मेरे आका नबी रहमत ने दस्ते नबूवत में उस दूध का प्याला लिया और फिर उसके बाद अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दूध लिया और हुजूर के इशारे पे एक दूसरे को पिलाना शुरू किया, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 70 लोगों को मैंने दूध का प्याला पिलाया। आखिर में हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते हैं मैंने पिया, कहा और पियो। कहते हैं मैंने और पिया, कहा और पियो। मैंने कहा और पिया, फिर नबी ने इरशाद फरमाया और पियो। कहते हुजूर अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने दूध का प्याला लिया, हुजूर ने तनाउल फरमाया और वो दूध खत्म हुआ, लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं कि 70 लोगों के पीने के बाद और मैंने भी पिया तो मैंने देखा कि दूध का एक कतरा भी कम नहीं हुआ है, जितना पहले मौजूद था दूध उतना ही अब भी मौजूद है। इसीलिए तो आला हजरत ने इस हदीस की तर्जमानी की, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। तीसरी हदीस अपने आका मौला की सुनिए और मचल जाइए। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम हुजूर के साथ जंग में थे, तो जंग जब छिड़ी ना तो हजरत अबू कतादा कहते ऐन जंग की हालत में दुश्मन का एक तीर आया और मेरी आंख पे लग गया, और जैसे लगा तो मेरी आंख का ढेला बाहर आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नबी रहमत के सहाबा हजरत अबू कतादा डॉक्टरों की तरफ रुजू नहीं करते, तबीबों की तरफ रुजू नहीं करते, हकीमों की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर सबसे बड़ा कोई तबीब है तो आमिना का लाल है, सबसे बड़ा कोई हकीम है तो मुस्तफा जाने रहमत है। हुजूर की खिदमत में अपनी आंखों को पकड़े हुए बारगाहे नबूवत और रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐन जंग की हालत में दुश्मन का एक तीर लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया। मेरे नबी को अल्लाह ने अगर कोई अख्तियार ना दिया होता, अगर कोई तसर्रुफ ना दिया होता, अगर कोई पावर ना दिया होता, तो मेरे आका इरशाद फरमाते अबू कतादा जाओ डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास, हकीमों के पास, यहाँ क्यों आए हो? लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते अबू कतादा जरा आगे आ जाओ। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अबू कतादा आगे आ जाओ। हजरत अबू कतादा हुजूर के करीब हुए तो मेरे नबी ने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया,
या टेबलेट नहीं खिलाया है। लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल में बड़े बड़े इंजेक्शन मिलते हैं, टेबलेट मिलते हैं, हुजूर ने कोई टेबलेट नहीं खिलाया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, थूक शरीफ निकाला और उनकी आंखों में लगाकर उनकी ठेले को वहीं बिठा दिया। अल्लाह अकबर, वहीं बिठा दिया। हजरत अबू कतादा जब सहाबा की जमात में पलटे ना, तो सहाबा पूछते हैं अबू कतादा क्या हाल है, तो सैयदना अबू कतादा कहते ना, जब से हुजूर का लुआब लगा है मेरी आंखों में, जिस तरह मैं पहले देखता था उससे तीन गुना ज्यादा अब देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, वो कहते हैं उससे ज्यादा अब देख रहा हूँ। क्यों ना आला हजरत को फिर से पुकारा जाए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब चौथी हदीस सुनिए, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक पैदाइशी बच्चा, और मेरी माँ बहनों बहुत गौर से सुनना, चार पांच साल का बच्चा, वो पैदाइशी गूंगा अपने घर आया, पैदा हुआ तो पैदाइशी गूंगा। तो औरत ने कहा कि हमने बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, काश अपने शोहर से कहती है कि एक मर्तबा जरा मदीने वाले मुस्तफा को दिखा के ले आओ। अल्लाह अकबर, हुजूर को दिखा के ले आओ, मैंने बड़ा उनका जिक्र सुना है। इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, सूरज पलट आता है, जरा उनको दिखा के लाओ। कहते हैं अच्छा तुम कहती हो तो हुजूर के बारगाह में लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर, उंगली पकड़ा अपने बच्चे का और हुजूर की बारगाह में पहुंच गया, सलाम किया, सलाम करने के बाद कहता कि हुजूर मैं नहीं आया, मेरी बीवी ने भेजा है तब मैं आया हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं क्या बात है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये मेरा बच्चा है, पांच साल का हो गया, गूंगा पैदा हुआ, हुजूर कुछ बोलता नहीं, मेरी बीवी को चची कहने वाले बहुत हैं, फूफी कहने वाले बहुत हैं, लेकिन माँ कहने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, उन माओं से पूछिए जिनके बच्चे नहीं है, जिन्होंने अपने घर के सारे जायदाद बेच करके हॉस्पिटल वालों को दे दिया, चप्पलें घिस गई, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं है, वो दुआ करते हैं मौला बेटा ने दे, कभी काश हमको एक बेटी ही अता कर दे। अल्लाह अकबर, आजकल के जमाने में लोग हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते लेकिन कोई बच्चा नहीं होता, वो बच्चा पांच साल का है, उसकी माँ को माँ कहने वाला कोई नहीं, फूफी कहने वाले चची कहने वाले बहुत है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरे आका करम फरमा दी, आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं लौटता, अल्लाह ने आपको वो अख्तियार दिया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं आज तक ये बच्चा नहीं बोला। अच्छा हुजूर ये भी नहीं कहते हैं तबीबों को ले जा करके दिखाओ, हकीमों को दिखाओ, इसलिए मेरे आका अपने निगाहें नबुवत से पहले ही देख चुके हैं, ये तबीबों को दिखा के आ रहा है, ये हकीमों को दिखा के आ रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं आने वाले ये तो बता जब से पैदा हुआ नहीं बोला, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज तक नहीं बोला, क्या तुझे बाप भी नहीं कहता, ना या रसूल अल्लाह मुझे बाप भी नहीं कहता, अपने माँ को माँ भी नहीं कहता। अल्लाह अकबर, नबी का जुमला सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते ना आज तक नहीं बोला लेकिन आज इस बच्चे को बोलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, आज इस बच्चे को बोलना पड़ेगा। अब अपने हुजूर की ताकत देखिए, हुजूर का मौजजा देखिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐश आने वाले शख्स, क्या तुझे अपना बाप भी नहीं कहता? अल्लाह अकबर, कहता बाप कहाँ कहता, हुजूर यही तो रोना है। मेरे आका इरशाद फरमाते आज तक नहीं बोला अब ये बोलेगा। मेरे नबी बच्चे की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाते हैं ए बच्चे बता जमाना मुझे क्या कहता है, दुनिया मुझे क्या कहती है, जो अपने बाप के चेहरे को देख करके ना बोला, जो अपनी माँ की गोद में पांच साल तक खेला हो और माँ की गोद में ना बोला। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ए बेटे ये बताओ जमाना मुझे क्या कहता है, जो अपने बाप के चेहरे को देख करके न बोला, गोया आला हजरत की जबान में वो कह उठा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। ये हुजूर करम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे नबी को वो अख्तियार दिया है कि अल्लाह ने हुजूर को सरापा मौजजा बनाया है। किसी किसी नबी को अल्लाह ने एक मौजजा दिया, किसी को दो दिए, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने सर से पैर तक मौजजा सरापा मौजजा बना करके भेजा है।
ये मेरे नबी की शान है। अल्लाहु अकबर। और फिर आखिरी हदीस आपको सुनाऊं और अपने गुफ्तगू को खत्म करूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ये कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर मेरे आका नबी रहमत तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात है, पानी खत्म हो गया। तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि हुजूर के सामने एक प्याले में एक लोटे में थोड़ा सा पानी है। ये हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वजू करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और हुजूर हम नमाज कैसे पढ़ें। तो मेरे नबी अकरम ने ये नहीं फरमाया कि चारों तरफ फैल जाओ, मैदानों में दूर दूर निकल जाओ, पहाड़ों के इर्द गिर्द देखो, कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा। नबी अकरम ने देखा कि सामने थोड़ा सा पानी है, हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसा करो ये पानी मुझे दे दो। हुजूर को जब पानी ना दिया ना तो सहाबा कहते हुजूर ने उस पानी में अपना दस्ते नबूवत, दस्ते शिफा, दस्ते बरकत, दस्ते रहमत उस पानी में हुजूर ने रख दिया। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने जब अपना दस्ते नबूवत रखा तो हदीस बताती है कि हुजूर के उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर के उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। सारे सहाबा ने पानी पिया भी, वजू भी किया, भर के रख लिया। पूछने वाले ने पूछा ये जाबिर बताओ कितने लोग थे, तो हजरत जाबिर कहते हैं कि अगर 1,00,000 भी होते तो पानी पीकर सैराब हो जाते। अल्लाह हो। तो कितने लोग थे, कहा उस वक्त 1,500 लोग मौजूद थे जिन्होंने हुजूर के उंगलियों से निकले हुए पानी से अपने आप को सैराब किया। आला हजरत अजीमुल बरकत इस हदीस की तर्जमानी करते हुए यूं रकम तराज होते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह। अच्छा, आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ अपने आका की और बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे आका अगर कोई मौजजा नहीं दिखाते, हुजूर अगर कोई मौजजा नहीं दिखाते, जितने भी मौजजा हुजूर ने दिखाए, अगर कोई मौजजा हुजूर ने दिखाते, तो एक सहाबा कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे नबी का चेहरा ही इतना खूबसूरत बनाया था कि लोग आते रहते, हुजूर का चेहरा देखते रहते और कलमा पढ़ते रहते, मजहब इस्लाम में दाखिल होते रहते। खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने मेरे नबी का बनाया। हजरत जाबिर बिन समरा तभी तो कहते हैं कि एक मर्तबा 14वीं रात में चांद निकला हुआ था और हुजूर लाल चादर ओढ़ करके हुजूर तशरीफ फरमा थे, तो ये कहते हैं कभी मैं चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है कि हुजूर ज्यादा खूबसूरत है। कहते फिर मेरे दिल इसलिए कि इंसान का सबसे बड़ा मुफ्ती जो होता है वो दिल ही होता है, कहा मेरे दिल ने कहा कि जाबिर क्या सोचते हो, चांद नहीं हुजूर का चेहरा ही ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम है कि धुआं नहीं। और आखिर में एक पैगाम हजरत अल्लामा कारी जाकिर साहब क़िबला के हवाले से कि ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर का मिलाद मनाने वालों, अभी मैंने चंद दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक शख्स के यहाँ बारात आई। बहुत तवज्जो के साथ 2 मिनट में इस बात को सुनिएगा। उसके घर बारात आई तो तकरीबन कई सौ लोग, 300 के करीब बाराती उसके घर गए, तो शायद कि 20-25 लोगों का खाना कम पड़ गया। अल्लाह अकबर। आज हमने तो ऐसा फैशन बनाया ना कि हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें तुम्हें क्या खिलाना है, हम बारात इतना लेके आएंगे, हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जहेज की लिस्ट भी बनाते हैं। हालांकि शारह बुखारी लिखते हैं फतावा शारह बुखारी में कि अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हें जहेज दे तो ले सकते हो, लेकिन अगर तुम लिस्ट बना करके कहो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो ये रिश्वत में शुमार होता है, और रिश्वत लेना देना ये दोनों बातें नाजायज़ो हराम है। आगे सुनिएगा जो बात बताना चाहता हूँ। तो 300 के करीब बराती गए, खाना उसने इंतजाम किया, हर बाप इंतजाम करता है कि मेरे घर पे जो आए उसे खाना मिले। अल्लाह अकबर। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, 20 लोगों का खाना खत्म हुआ तो दूल्हे के बाप ने कहा कि हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, 20 लोगों को खाना नहीं मिला, हम बारात अपनी वापस लेके जाएंगे।
जैसे ही बाप ने सुना अटैक आया, फौरन उसी जगह पे गिरा और वो मर गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल हुआ उसका। तो जानते हो बेटे ने एक बड़े ऑफिसर को फोन लगाया, उसके पहचान के थे, तो कहा कि ऐसा करो, सारा मामला अपना बताया रात के तन्हाई में, और कहा ऐसा कर दो कि फोन कर दो अपने से बड़े ऑफिसर को कि मेरे बाप के लाश को चीरा ना जाए, मेरे बाप के लाश को फाड़ा ना जाए। तो उसने पूछ लिया, बेटे ये बता हुआ क्या है? तो उसने सारी बातें बताई कि बारात घर पे आई थी, मेरे बहन की शादी थी, 300 बाराती आए थे, 20 लोगों का खाना कम पड़ा। तो उसने कहा कि हम बारात लेके वापस जा रहे हैं, मेरे बाप को अटैक हुआ वहीं पे, उन्होंने दम तोड़ दिया। अल्लाह अकबर, मेरे बाप के लाश को लेकर के पुलिस चली गई है, ऐसा कर दीजिए कि मेरे बाप के लाश का पोस्टमार्टम ना किया जाए, चीरा ना जाए। उसने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उसने अपने वॉलंटियर को भेजा, अपने चंद खुदामों को भेजा कि जाकर के देखो कि टेबल के नीचे खाना कितना फेंका हुआ है। जब वॉलंटियर गए, उसके खुदाम गए ना, तो देख करके हैरत में पड़ गए, ताज्जुब करने लगे कि जिस खाने के वजह से किसी के बाप की जान गई। अल्लाह अकबर, वो फोन करके उस शख्स को कहता है ना कि अगर ये खाना फेंका ना जाता तो 50 लोगों के लिए खाना खाते तब भी ये खाना खत्म नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, ये फैशन बंद करो, जहेज लेना, जहेज मांगना, इतने बारातियों को लेके जाना। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो बारात 11 लोगों के लिए जाओ, 5 लोगों के लिए जाओ, 21 लोगों के लिए जाओ। मस्जिदों में निकाह करो, निकाह मस्जिद में करो। अगर तुम्हें वलीमा खिलाना ना, तो हुजूर की सुन्नत अदा करो, अपने घर पे सारे लोगों को बुला के वलीमा खिलाया करो। और ए बारात जाने वालों, तुमसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि तुम अपने घर पे हमेशा गोश्त खाते हो, हमेशा तुम अच्छे अच्छे खाना खाते हो, बारात में जाके क्यों पूरे डोंगे के पीछे पड़ जाते हो, क्यों पूरा डोंगा अपने सामने रखते हो? एक बोटी खा करके अपने पेट को तसल्ली दे लिया करो। ए लोगों, अगर तुम किसी की इज्जत बचाओगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बचाएगा। अगर तुम किसी की इज्जत करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत और लोगों के दिलों में बढ़ा देगा। इसी पे और यही पैगाम देकर अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ने जितनी आवाज दी है, एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علينا الا البلاغ السلام عليكم